सजनों ते मित्रों बेलियो ते सेलियो बकरे दियो लेलियो की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो रोटी शोटी खा दी है कि नहीं भूख ते लगी होएगी ये अपने बकरों की लेलियो क्यों हुई मतलब प्रोमिनेंट की वेयर इज द लेले वेयर इज द लेले रिप्शा की बहुत ख्वाहिश है कि हमारा भी कोई इंटरव्यू करे जी तो आज आप हमारा इंटरव्यू करें जैसे आप ये जो एनर्जी आपके अंदर इस वक्त मौजूद है ये बचपन से ही है बचपन से आपको शौक था रेडियो का या फिर बाद में फिर शौक आया जब आपने ज्वाइन किया सिर्फ सिटी को आई वांट टू बिकम एन आरजे बट आई डोंट नो हाउ आरजे हमारे सामने बैठे हैं और सिर्फ उनको सुन रहे हैं आज हमने और मुझे लग रहा है कि उन्हीं को सुनते हैं अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें भी पाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे नाजरीन आपको बताते चलेंगे किसी से बात करने के बहुत सारे वेज होते हैं बहुत सारे ज़राए होते हैं जिससे हम किसी न किसी से कोई बातचीत करते हैं जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन कैमरे के थ्रू कैमरे की आंख के जरिए लेकिन एक ऐसा मीडियम होता है जो कि आप जिससे आप सिर्फ सुनते हैं और लोग आपसे बात कर रहे होते हैं आप उनको देख नहीं रहे होते सिर्फ आपकी उसकी जो बोलने वाला होता है उसकी आवाज आपकी समातों तक पहुंच रही होती है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ रेडियो नजर नहीं आती तस्वीर नजर नहीं आती मैं बात कर रहा हूँ रेडियो FM जिसे हम अक्सर सुनते भी हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं वहाँ पर बहुत सारे आरजेस भी आते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि सेफ सिटी में एक ऐसा मीडियम मौजूद है जिसे हम सेफ सिटी रेडियो FM कहते हैं 88.6 के नाम से जाना जाता है जो कि लोगों में आगाही देता है ट्रैफिक के हवाले से और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आरजेस भी आते हैं जो कि लोगों को एंटरटेन करते हैं सो आज हमारे प्रोग्राम में एक आरजे मौजूद हैं जो कि सेफ सिटी FM 88.6 पर बतौर आरजे के तौर पर काम कर रहे हैं लेकिन उनका डेजिग्नेशन क्या है वो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं अलीम गौरी उनको वेलकम करते हैं उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से बात करते हैं और ये सब कुछ उन्होंने किस तरह से शुरू किया अस्सलाम वालेकुम अलीम वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम जी अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर अच्छा आपकी आवाज से लग रहा है कि ये आरजे है और ऐसा लग रहा है ऐसी एंट्री की है कि आरजे रेडियो ट्यूनिंग कर लिया मैंने असल में बात ये है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए बिल्कुल जब आप एक रेडियो पर बैठ के बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज इतनी एनर्जेटिक होनी चाहिए आप इस तरीके के साथ बात करें कि जो भी सुनना है ना वो एक बार मुतवज्जे हो कि यार बात क्या की जा रही है ठीक है अगर आप धीमे धीमे लहजे में बात करें मैं बोल रहा हूँ अलीम गौरी और आप सुन रहे हैं रास्ता FM यार पता नहीं क्या बोलिंग शो की भी कुछ नेचर्स होती है कुछ शोज होते होंगे जो धीमे आवाज में करने वाले होते हैं डिपेंड करता है लेकिन फिर भी अलीम एनर्जी जरूरी होती है आपको एनर्जी कन्वे करनी पड़ती है अगली ताकि अटेंशन आपकी तरफ जब आप में एनर्जी होगी तो ही आप एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं और फिर सुनने वाला भी उतना ही इसको एंजॉय करेगा तब आप भी उसको धीमे धीमे जैसे फाइक बता रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की नियत होती है ठीक है जब आप नाइट में शो गिरते हैं रात 12 के बजे के बाद आप शो कर रहे हैं जनाब पोइट्री पे अब वो उस मोहब्बतों वाले और वो प्यार मोहब्बत के समा बना देते हैं एक समा बनाना पड़ता है ठीक है उसमें क्या है उसमें आप एक जोशीली अंदाज में बात नहीं करते जोश खताबत वहां पे आपका काम नहीं आएगा वहां पे आपको जरा धीमा लहजा रखना है क्यों धीमा लहजा जल्दी दिल में उतर रहा है ठीक है और जब आप एक अच्छे अंदाज के साथ एक जोशीली अंदाज के साथ बोल रहे हैं ना फिर आपको अटेंशन चाहिए आप अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं उस वक्त आपको अटेंशन और आपको एनर्जी के साथ बोलना पड़ता है और जब आप किसी की दिल की बात करना चाह रहे हैं किसी मतलब के दिल तक पहुंचना चाह रहे हैं अगर आपने दिल तक पहुंचना है तो आपको अपना लहजा धीमा रखना लहजा नरम रखना चाहिए और अगर आप जिस तरह बोल रहे हैं एनर्जी के साथ फिर आप दिल तक नहीं पहुंच सकते ये बात इसमें भी दो चीजें हैं अब जब आप दिल तक पहुंचना चाह रहे हैं ना उसमें दो तरीके होते हैं एक तो आपका लहजा नरम होना चाहिए आपके लहजे में मिठास होनी चाहिए दूसरा आपके अल्फाज बड़े माने कर रखते हैं अच्छा वैसे बाकी अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है जो आप डिलीवर कर रहे हैं टू द पब्लिक जी हां बहुत जरूरी ठीक है अच्छा ये जो एनर्जी आपके अंदर इस वक्त मौजूद है ये बचपन से ही है बचपन से आपको शौक था रेडियो का या फिर बाद में फिर शौक आया जब आपने ज्वाइन किया सेफ सिटी को एग्जैक्टली इसमें कुछ ऐसा है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया चेक कर रहा था अपने फेसबुक तो कुछ 6-7 साल पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी कि आई वांट टू बिकम एन आरजे बट आई डोंट नो हाउ मैं आरजे बनना चाहता हूं मगर मुझे पता नहीं है मैं कैसे बनूं सही और आज जब मुझे 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है एज एन आरजेशिप करते हुए तो तब मैंने पोस्ट लिखी तो मुझे वो जमाना याद आया कि वाकई वो मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि मैं जैसे किसी को सुनता हूं रेडियो पर बैठ के इस तरह कोई मुझे भी सुने ठीक है किससे इंस्पायर होकर आपने शुरू किया
असल में इंस्पिरेशन मेरी रेहान तारिक मेरे उस्ताद हैं जिनसे अच्छा। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी जो है ICS के अंदर मैंने उनसे केमिस्ट्री FSC के अंदर मैंने उनसे केमिस्ट्री पढ़ी और दूसरा बोलने का अंदाज उनका बहुत अच्छा था अच्छा। उनको चूँकि एक वो मेरे मोहल्लेदार भी हैं उनको इनाम मिला और इनाम से आपको पता है जब छोटे होते हैं बच्चे तो जरा एक फैसिनेटिंग चीज़ होती है कि यार उसको इनाम मिला है इसका मतलब है कि यार मुझे भी इनाम मिल सकता है मैं भी लोगों में फेम हासिल कर सकता हूँ तो उनसे थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा और कुछ मेरे अब्बा जान घर में मुझे उर्दू पढ़ाते थे मेरे अब्बा जान उस्ताद रहे हैं तो वो मुझे घर में उर्दू पढ़ाते थे इस्लामियात पढ़ाते थे तो उनसे फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीख आरजे हमारे सामने बैठे हैं और सिर्फ उनको सुन रहे हैं आज हमने और मुझे लग रहा है कि उन्हीं को सुनते हैं नहीं जी और मुझे लग अलीम हमारे इंटरव्यू आज इनके मेजबान चले आपके हाथ में हमारी भी बहुत ख्वाहिश है रिप्शा की बहुत ख्वाहिश है कि हमारा भी कोई इंटरव्यू करे जी तो आज आप हमारा इंटरव्यू करें जैसे आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है मैं भी जरूर आप लोगों को रास्ता FM 88.6 पर इनवाइट करूंगा बहुत सारे लोग हमें जो रास्ता FM पर सुनते हैं जी उनको एक तजस्सुस होता है अच्छा यार ये हमारा जो एक PSE वेब चैनल जो चल रहा है इस पे जो लोग आते हैं वो कैसे लोग हैं वो क्या बातें करते हैं उनका अंदाज़े जिंदगी क्या है तर्ज़े जिंदगी क्या है वो क्या रहन सहन करते हैं और ये किस तरह वो मैनेज कर लेते हैं ये सारी चीजें तो वो लोग सुनना चाहते हैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को हम FM 88.6 पर मधु करते रहते हैं गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं ताकि हम उनसे बात करते रहें और जो सुनने वाले लिसनर्स होते हैं वो बड़ा इंजॉय करते हैं सही हमारे पास मीडियम है एक SMS के थ्रू और एक लाइव कॉल के थ्रू हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं सो दैट हमारे साथ लोग हाँ लोग हमारे साथ भी बातचीत कर सकें मतलब हम SMS लेते हैं हमारा एक नंबर है जो रेडियो FM 88.6 से मुंसलिक है वो उस पे नंबर मैसेजेस आते हैं किस किस्म के शोज करते हैं रेडियो पे बिकॉज ये थोड़ा ट्रैफिक से रिलेटेड भी होता है ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से भी आप आगाह करते हैं और इसके साथ साथ कोई पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से कोई मैसेज कन्वे करना है टू द पब्लिक तो वो भी आप करते हैं जी बिल्कुल इसमें ऐसा ही है सबसे मेन पर्पज़ जो है असल में इसका नाम ही डिपिक्ट करता है रास्ता सेफ सिटी FM जी राइट रास्ता बताना है हाँ जी हमने सबसे पहले रास्ता बताना है लोगों को हमने जब भी अपना शुरू करना है बोलना जब भी स्लॉट देनी है हमने सबसे पहले हमने रास्ता बताना है ताकि जो लोग हमें गाड़ियों में सुन रहे होते हैं वो हमारे इस FM 88.6 का मकसद पूरा हो दूसरे प्रोग्राम्स की आप बात कर रहे थे कि प्रोग्राम्स की मुख्तलिफ नौइयत होती है अब अगर आप मॉर्निंग में हैं तो प्रोग्राम की नौइयत और है आप इवनिंग में हैं प्रोग्राम की नौइयत और है आप नाइट की शिफ्ट कर रहे हैं उसमें प्रोग्राम की नौइयत और है अच्छा अलीम सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से शो करने में आता है सुबह दोपहर या रात असल में हर एक का ना एक अपना एक लुत्फ होता है ठीक है टेम्परामेंट है ना टेम्परामेंट टेम्परामेंट आपका टेम्परामेंट आपने मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जोशीले अंदाज में एक फनी अंदाज में मुझे FM 88.6 पे 2 साल का अर्सा हो गया 2 साल में बहुत सारे लिसनर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं मैं ये कि मेरी पहचान ये है कि ये फनी प्रोग्राम करता है मैंने कोई ना कोई बात ऐसी कर मेरा मकसद ये होता है कि जो FM 88.6 जो लोग सुन रहे हैं ना लोग घरों में भी सुन रहे होते हैं ना अक्सर गाड़ियों में रास्ता तो हम बता ही रहे हैं जो लोग बेचारे परेशान बैठे हैं घरों में सुन रहे हैं उनको कोई ना कोई ऐसा एक मीन मिल जाए बेचारी घरों में बच्चियां बैठी होती हैं सुन रही होती हैं कोई किसी की जुबान पे हंसी ले आए या किसी के चेहरे पर जनाब हंसी ले आए इससे बढ़कर कोई चीज होती नहीं है ठीक है तो मेरा मकसद ये होता है कि जनाब कहीं ना कहीं बैठकर उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है जिसके पास इंटरनेट है मोबाइल है वो मोबाइल से देख लेगा इंटरनेट से देख लेगा वो सर्चिंग कर लेगा अब किसी के पास नहीं है ना तो वो रेडियो सुन रहा होता है कि यार मैं रेडियो किस मकसद के लिए सुन रहा हूँ ताकि मैं खुद को रिलैक्स कर लूँ लिसनर्स आपको सुन रहे होते हैं जी और आपको वो देखा नहीं वो देखते नहीं है आपको सिर्फ सुन के आपसे बातचीत करना चाह रहे हो कैसा अली वैसे लड़कियां हो जाती हैं लड़कियां ज्यादा ऐसे करीम की आवाज सुन के पिता और फिर आपको मैसेज आते हैं कि कैसा फील होता है आपको ये असल में ना ये मीडियम ही ऐसा है कि इसमें जब आपकी आवाज और आपके अल्फाज आ रहे होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा एक फैसिनेटिंग लग रही होते हैं आप रात के टाइम में बैठे हैं सुन रहे हैं और जनाब अपने FM 88.6 ऑन किया हुआ है वहाँ पे चल रही है जनाब पोइट्री चल रही है पोइट्री में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं तो बड़ा फैसिनेटिंग होता है कि यार ये बंदा जो बातें कर रहा है ना पता नहीं क्या होगा यार बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं मेरे एक लिसनर थे उन्होंने मुझे पर्सनल मतलब कॉल की FM 88.6 पे वो कहते हैं यार मैं अक्सर ना गाड़ी में आपको सुनता हूँ मगर मुझे आपको देखने का बहुत इश्तियाक है आपको देखना चाहता हूँ मतलब आपकी उम्र क्या है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आप क्या करते हैं
कैसे हैं, मतलब यहाँ पर एफएम 88.6 पर आप इतनी अच्छी। लेकिन अली मैं आपको बता दें कि अगर वो आपको देख रहे होंगे, अगर नहीं बता, आप उनको ये शो सेंड जरूर कीजिएगा, वो यकीनन आपको देख लेंगे। बिल्कुल जरूर, मैं जनाब उनको जरूर देखेंगे कि जितना अच्छा बोलते हैं उतने वो खुद भी बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज है, खुश अखलाक है। और खुश अखलाक होना, कहते हैं कि जो हुसन है ना वो खुश अखलाकी की कमी पूरी नहीं कर सकता। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बयान की कि मैं जो शो करता हूँ वो थोड़ा सा फनी अंदाज में फनी होता है, उसके लिए बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं खुद खुश रहूँ। बिल्कुल, अगर मैं दुखी सा हूँ, मैंने टेंशन ली हुई है, मैं परेशानी में हूँ, मैं ऐसी बात कर ही नहीं सकता उस अंदाज के साथ। लेकिन अलीम मेरी बात सुने, आप या फाइक या मैं, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम साथ चलती हैं, हम सबकी लाइफ में टेंशन होती हैं, हम सब उसको साथ लेके चल रहे होते हैं। और ये कितना ज़्यादा मुश्किल है कि आप अपने अल्फाज से, अपने फेस से, अपने जेस्टर से, कहीं से भी ये शो नहीं करना कि आपको कोई परेशानी है या आपको कोई टेंशन है या आपको ये, मतलब ये हम सब कवर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली आपकी ये बात मुझे कॉमेडी के किंग अमानुल्लाह साहब याद आ गए। वो कहते हैं कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था और मुझे पीछे से आके किसी ने मेरे कान में बताया कि तुम्हारे अब्बा की डेथ हो गई है। मेरे वालिद की मैयत घर पे पड़ी थी, मगर मैं लोगों को हंसा रहा था कि वो मेरा काम है। लोग मुझे देखने के लिए आए हैं कि मैं उनको हंसाऊं। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा कोई मर गया है या मेरे साथ कोई परेशानी है। लोगों को इससे कोई मतलब सरोकार नहीं है। हमें हर चीज को पसे पुश डालकर लोगों को आके ये बताना है कि यार एवरीथिंग इज फाइन। और ये कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए बाबा मुझे थोड़ा बोल के दिखाएं। वैसे तो काफी देर से बोल रहे हैं, लेकिन वो जो टेम्परामेंट रेडियो का होता है उसमें जरा बात करते हैं। रेडियो के मुख्तलिफ टेम्परामेंट्स होते हैं, जिसका मतलब जो फनी शो करते हैं। इस तरह से मैं और लिसनर हैं और आपको सुन रहे हैं, तो आपने रिमशा की तारीफ नहीं करनी, मेरी करनी है। तो ये करके दिखाएं। सबसे बड़ी फनी चीज तो यही है। आप ज्यादा फनी कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे जरूरत ये करके दिखाएं जरा। फनी करने की असल में बात ये है कि माशाल्लाह आप दोनों बहुत खुश अखलाक भी हैं और खुशगुलू भी हैं। थैंक यू। और ताकि मेरी भी तारीफ कर। थैंक यू। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा बहुत खुश अखलाक। और बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं, बल्कि सुन भी रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड पे कुछ लोग होंगे। जी जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा जेलसी फील करेंगे। सो प्लीज इस तरह की तारीफ ना करें आप हमारी। तो हम नहीं चाहते कि कोई लोग मैं आपको जो मतलब हमारा एक टिपिकल जो स्टाइल होता है फैमिली पर सिक्स पे, वो मैं आपको कर करके बता देता हूँ जो हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक सामाइन, आप सुन रहे हैं रास्ता सेफ सिटी फैमिली 8.6। मैं आपके साथ आपके मेजबान हूँ आरजे अलीम खारी। हवा के दोष पर मेरी आवाज़ जिन खूबसूरत समातों से टकरा रही है, सुनने वाली सभी समातों को आरजे अलीम खारी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सजनों ते मित्रों, बेलियो ते सेलियो, बकरे दियो ले लियो, की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? रोटी छोटी खा दिए कि नहीं? भुख ते लगी होएगी? इस तरह की बातें करके थोड़ा सा ताकि लोग ये अपने बकरों की लेलियों को ही मतलब प्रोमिनेंट मकसद ये है कि तारीफ आपने मर्दों की कर दी है। ओके, मकसद ये है कि बात से बात मिलाने में मिलानी होती है आप। बिल्कुल। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलें कि जो एक अलहदा चीज हो। अच्छा अली, मुझे लगता था ये बहुत इजी, लेकिन ये बहुत टफ है। देखें, अगर हमारे एक्सप्रेशंस लोग देख रहे हैं तो फिर भी वो अम्यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे हैं और उससे बात से बात जोड़ना बहुत टफ। आपने अपने अल्फाज से ही लोगों को अपनी सारे इम्प्रेशन भी समझाने हैं, अपने रिएक्शन भी समझाना है, आपने हर चीज अपने अल्फाज से बयान कर रहे हैं। अलीम, आपके साथ बात करके तो हमें बहुत मजा आया और यकीनन हमारे नाज़रीन ने बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत 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 अलहमदुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एफएम 88.6 के आरजे, जो कि बतौर पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर IC3 में काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन्हें एक एक्स्ट्रा टैलेंट ये है कि वो एक बहुत अच्छे आरजे हैं। अब जो प्रोग्राम का वक्त है, मेरे ख्याल में वो खत्म हुआ जाता है। मेरे ख्याल में भी तो नए प्रोग्राम के साथ, नई बातों के साथ और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा आप लोग हमें Facebook पर लाइक कर सकते हैं, Twitter पर फॉलो कर सकते हैं, Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात रिमशा की, बहुत इंपॉर्टेंट, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।